कौन है किसी तरह का दंडित करे, वो विभाग से सेंट्रल गवर्नमेंट से ही और स्टेट गवर्नमेंट से माननीय मुख्यमंत्री मंत्री ना बहुत जल्द ले रहे हैं, ले करके अगर आपको आवश्यकता हो वहाँ हम लोग देंगे। कुछ ऐसे एरिया जो पटना जिला के हैं वहाँ की लाइट की कुछ अच्छी भी है, लेकिन अगर आप और आगे बढ़ जाएंगे उस बार पूर्णिया सहरसा ये सब की तरफ अभी वहाँ शुरुआत। खगौल नगर परिषद में अध्यक्ष एवं पार्षदों की बैठक। शनिवार को नगर परिषद खगौल के सभागार में एक बैठक का आयोजन किया गया, जहां नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी संजीव कुमार द्वारा नव चयनित अध्यक्ष सुजीत कुमार, उपाध्यक्ष दीपक कुमार एवं वार्ड पार्षद को पुष्प देकर स्वागत किया। मौके पर कार्यपालक पदाधिकारी संजीव कुमार ने कहा कि नए वार्ड पार्षद अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष से खगौल नगर वासियों को काफ़ी उम्मीद है कि वह बेहतर काम करें, उन्नति के लिए जो भी बेहतर होगा उनमें मेरा पूरा योगदान होगा। प्रथम बैठक थी साधारण बोर्ड की, इसमें सभी माननीय का स्वागत किया गया और मेरी अपेक्षा है कि सब लोग जो है सहयोग करें और आगे आने वाले समय में जो भी समस्याएं हैं उसको हम लोग एकजुट होकर मिल के उस समस्या का निदान करें। मेरी अपेक्षाएं सभी पार्षद और मुख्य पार्षद उप मुख्य पार्षद से यही है। वही वार्ड पार्षद ने नगर के विभिन्न इलाकों में पानी की किल्लत, स्ट्रीट लाइट का अभाव एवं साफ सफाई में हो रही समस्याओं से अवगत करवाया। वहीं पार्षदों ने विकास एवं आवास विभाग द्वारा प्रतिनियुक्त EESL कंपनी द्वारा नगर परिषद खगौल में सही ढंग से काम नहीं किए जाने के कारण नगर परिषद के अध्यक्ष को इस कंपनी को तुरंत हटाने के लिए विभाग को पत्र लिखने हेतु अनुरोध किया। नगर परिषद अध्यक्ष ने बताया बैठक में उपस्थित होने के लिए EESL कंपनी को पत्र भी दिया गया था, परंतु उनके द्वारा किसी भी प्रतिनिधि ने बैठक में भाग लेने हेतु नहीं भेजा गया। और आप लोग के माध्यम से चाहते हैं कि आप लोग के माध्यम से भी ऊपर हाई लेवल तक पहुंचे, मुख्यमंत्री जी तक ये सूचना पहुंचे कि EESL वाले के द्वारा जो लाइट का काम किया जा रहा है वो बिल्कुल भी असंतोषजनक है। उनके कारण सभी माननीय पार्षद महोदय को पब्लिक से गाली सुनना पड़ता है और जब वो गाली सुनते हैं तो वो अध्यक्ष को गाली देते हैं, मैंने कहने का मतलब कि बुरा भला बोलते हैं, उसमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष और सभी लोग पब्लिक उनको देती है, पब्लिक को जवाब सभी लोग को देना है। आज की बैठक में मैं उनको आमंत्रित किया था लेकिन वो आज की बैठक में उपस्थित नहीं हुए कि ताकि जो मुद्दाएं हैं मैं उनको रख सकूं, लेकिन वो उपस्थित नहीं हुए, ये बड़ा ही दुख की बात है। वहीं पार्षद श्रीमती रेखा देवी, श्रीमती जूली सा, किरण देवी, पुष्पा देवी व सरिता शर्मा एवं अन्य पार्षद ने सफाई कर्मियों की संख्या बढ़ाने की मांग की। वहीं वार्ड 23 के पार्षद रेखा देवी, वार्ड 27 के पार्षद प्रशांत कुमार एवं वार्ड पार्षद महेंद्र कुमार ने ब्लू पाइपलाइन जल की समस्या के निदान के बारे में कहा।
ताकि जनता को इसका लाभ मिल सके। इस बैठक में नगर परिषद के अध्यक्ष सुजीत कुमार, उपाध्यक्ष दीपक कुमार, नगर प्रबंधक श्रीमती कंचन कुमारी, शैलेश कुमार, वार्ड पार्षद एवं पूर्व अध्यक्ष रिंकू कुमारी, श्री आरती कुमारी, श्रीमती इंदु देवी, श्रीमती पूनम देवी एवं अन्य वार्ड पार्षद मौजूद थे। बैठक की समाप्ति के बाद नगर परिषद के उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, पार्षद सहित सभी ने मिलकर होली मिलन का आयोजन करते हुए एक दूसरे को अबीर लगाकर होली की अग्रिम बधाई दी।